अकोला से सवाल आया है सचिन का, और इनके पास है शेयर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, 1100 शेयर हैं 23 रुपए के भाव पर, काफ़ी अच्छी बाइंग प्राइस है इनकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अब तो ये 59 रुपए के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है, बढ़िया है। अपडेट्स अच्छे आए थे इनके, लोन बुक को लेकर या फिर डिपॉजिट्स को लेकर बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ थी। अब गौरांग सर क्या करना चाहिए, इनके भाव से तो ये शेयर डबल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्या निवेशित रहने में भी समझदारी है? अभिषेक जी, हम निवेश करते हैं शेयर बाजार में ताकि हमारे निवेश के ऊपर हमें मुनाफा मिले, और जैसे अनुशासन के साथ निवेश करना जरूरी होता है उसी तरीके से अनुशासन के साथ साथ मुनाफा वसूलना भी एक कला होती है जो आपको निरंतर करनी चाहिए। लालच आ जाती है तो फिर मुनाफे वाले सौदे भी नुकसान में बदल जाते हैं। अब शानदार निवेश इनका 2 गुना यहाँ पर भी हो चुका है, कमूमन इनका निवेश फिलहाल हमारी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर बने रहने की राय होगी। और हम ये भी कहना चाहेंगे अभिषेक कि ये जितने भी स्मॉल या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स या फिर NBFCs हैं उनके नतीजों में सुधार की तीव्रता इसलिए हमें दिखेगी क्योंकि पहले तो इनके जो ऋण होते हैं, लोन होते हैं, वो छोटे छोटे टिकट साइज के होते हैं, तो उससे क्या होता है कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कि जो रन रेट गति है वो 90-95% के ऊपर होती है, तो ग्रॉस नेट एनपीए ज्यादा उछलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन बेहतरीन स्तर पर निवेश, चाहे तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट सकते हैं, अगर रुपए की जरूरत नहीं है तो निश्चिंत होकर के बने रहें। दर्शक कच्छ से विजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं। जी मेरे पास INX के हैं 200 शेयर, ओके 164 के एवरेज में, और सेल के बारे में पूछना था जी। सेल 450 शेयर है 114.34 के एवरेज में, होल्ड करूं या एग्जिट करूं? क्या नजरिया है आपका दोनों ही स्टॉक्स में? एक्चुअली तो मैंने एक डेढ़ साल से तो होल्ड कर ही रहा हूं, तो अभी 6 मंथ्स तक है होल्ड करना, और ठीक है 6 महीने तक का नजरिया है। रत्नेश क्या कहेंगे आप, सेल 114 की इनकी बाइंग है, IEX 164 की? ओवरऑल मेटल देखें तो काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस था, अब इनमें परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। पर्टिकुलर सेल देखें तो डेली चार्ट पर काफी अच्छा राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन बना था, यहाँ पे 106 रुपए के आसपास में उसने ब्रेकआउट दिया, तो इसका जो ओवरऑल टारगेट आना चाहिए यहाँ से 106 रुपए के ब्रेकआउट के बाद में कम से कम मेरे हिसाब से 135-140 रुपए का टारगेट इसका आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा बने रह सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करें अपने, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने सलाह रहेगी मेरी 105 रुपए की, ऊपर में टारगेट जो मैंने सुझाया इनको 135-140 वहां पे जरूर थोड़ा सा अपना मुनाफा बांध ले। और IEX यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पे, तो IEX में मेरी सलाह रहेगी कि इनको 140 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाए, कहीं पे भी 160-165 रुपए के आसपास में आए तो वहां पे निकल जाए।